बाड़मेर के सिंडरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। केमिकल से भरा टैंकर होटल में जा घुसा, आग लगने से दो जिंदा जले हैं। ऐसे में सिंडरी मुख्य सर्किल के दुकानों में भी आग फैल गई है। दमकलों ने देखी है, हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। और ये मौके की तस्वीरें देखिए, किस तरह से आग ने देखते ही देखते एक विकराल रूप ले लिया। भीषण आग लगे और साथ ही साथ दुकानों को भी चपेट में ले लिया। सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर, जहां केमिकल से भरा टैंकर होटल में जा घुसा और आग लगने से दो लोग जिंदा जल गए हैं। सिंधरी मुख्य सर्किल की दुकानों में भी आग फैल गई है और देखते ही देखते आग फैलती हुई नजर आई, जिसके बाद में दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि देखिए, प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है और लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। हालांकि देखिए, इस आगजनी से आसपास के लोगों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला, डर का माहौल देखने को मिला। और साथ ही देखिए, बाड़मेर के सिंधरी से सबसे पहले तस्वीरें आपको फर्स्ट इंडिया पर दिखा रहे हैं, जहां केमिकल से भरा टैंकर होटल में जा घुसा, जिसके बाद में आग लगने से दो लोग जिंदा जल गए हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी अशोक जुड़ चुके हैं। अशोक, अभी किस तरह की स्थिति है? देखिए आयुषी, आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है और अभी जो आगजनी की घटना हुई थी उसके बाद जो मलबा है दुकानों के अंदर, वो उसको एक तरफ करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जो हादसा हुआ है ये हाईवे पर हुआ है, मेगा हाईवे जो गुजरात की तरफ जाता है, वहां पर बीच चौराहे पर सेंद्रीय उपकरण मुख्यालय जालोर चौराहे पर यह हादसा हुआ, उसके बाद से मलबा है उसको हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये दुखद घटना है और इस पूरे घटना की अगर वजह की बात करें तो सेंद्रीय मुख्यालय पर अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती तो 10 मिनट पर इस आगजनी पर काबू पाया जा सकता, लेकिन करीब 1 घंटे देरी से पहुंची फायर ब्रिगेड के कारण ये बड़े हादसा हुआ। जी अशोक, जो लोग जिंदा जले हैं उनको लेकर क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी? देखिए, दो लोग जो जिंदा जले हैं उसमें से एक तो टैंकर चालक हैं, जो वहाँ ऐसा बताया जा रहा है कि मिथाइल से भरा ये पूरा टैंकर था और बड़ी हादसा वहां टल गया कि वो टैंकर के अंदर जो केमिकल भरा था वो फटा नहीं, अगर वो फटा तो एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, पूरे उपखंड को भी पूरी आगजनी फैल सकती, इतना बड़ा हादसा हो सकता। लेकिन एक जो टेलर टैंकर चालक है उसका आगे का हिस्सा टैंकर का जला, तो एक उसकी जिंदा जलने से मौत, एक दूसरा होटल संचालक जिस होटल के अंदर जो टेलर टैंकर घुसा है उसकी, दोनों की मौत हुई है। जी अशोक, हादसे की कोई वजह सामने आ पाई है अभी तक, क्या कुछ वजह रही? अभी तक की जानकारी जो सामने आई है उसमें ऐसी बात सामने आई है कि जो टैंकर है उसका टायर फट गया था और टायर फटने से वो असंतुलित होकर के बीच चौराहे पर एक दुकान थी, दुकान जहाँ होटल थी उसके अंदर जैसे ही घुसा तो वहां पर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और उसका आग आसपास की 4-5 दुकान, एक मेडिकल स्टोर है, एक जनरल स्टोर है, एक होटल है और एक बस बुकिंग की ऑफिस है, तो 4-5 दुकानों में आग फैल गई। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो एक होटल संचालक जिंदा जला है, वो जिंदा जला उससे पहले जैसे ही आग लगी तो उसने लोगों को फोन भी किया, एक अपने उस परिचित को फोन किया कि मैं अंदर जल रहा हूँ, मुझे बचाओ बचाओ, वो जोरदार चलाया भी, लेकिन जिसको फोन किया वही मौके पर पहुंचा, सब लोग मौके पर पहुंचते थे लेकिन वो सब लोग बेबस थे, क्योंकि वो क्या करें, उनके पास कोई आग बुझाने के लिए वहां न तो सिंदरी में कोई फायर ब्रिगेड की सुविधा है, क्योंकि इससे कुछ दिन पहले ही यहाँ आगजनी की बड़ी घटना हुई, एक ट्रेलर और टैंकर जले आमने सामने भिड़े थे और उसमें भी दो लोग जिंदा जल गए थे कुछ दिन पहले की घटना, और उस समय भी लोगों ने मांग उठाई थी कि इस मुख्यालय पर मेगा हाईवे है और रोजाना इस प्रकार की आगजनी की घटना होती है और तो यहाँ पर जिंदा जलने से लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद फायर ब्रिगेड की वहां पर सुविधा नहीं थी, क्योंकि सिंधरी उपखंड मुख्यालय से बालोतरा से या तो फायर ब्रिगेड मंगाई जाती है, बाड़मेर से या फिर आरजीटी से, जो करीब करीब 100 किलोमीटर से अधिक की दूरियां रहती है, तो ऐसे में पहुंचने में भी ज्यादा समय लग जाता है। जी क्या लग रहा है अशोक, क्योंकि लगातार बैक टू बैक इस तरह की घटनाएं हो रही है, फायर ब्रिगेड को पहुंचने में समय लग जाता है, लोगों की जाने चली जाती है, क्या प्रशासन कोई स्टेप लेगा? देखिए, इस बात को लेकर प्रशासन से लगातार मांग भी उठाई गई है, कई बार मीडिया में जबरदस्त तरीके से खबरें भी चली है, लेकिन उसके बावजूद इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हालांकि देर रात ये घटना, उसके बाद बाड़मेर के जिला कलेक्टर और एसपी मौके पर पहुंचे थे, करीब 1:30 बजे रेस्क्यू पूरा हुआ और उसके बाद ही बात चल पाई कि आदमी कौन है, क्योंकि आग बुरी तरीके से लग चुकी थी और लोगों को आग के पास जाने की जैसी स्थिति भी नहीं थी, तो कहीं ना कहीं लगातार मांग ये लोग उठा रहे हैं कि वहां पर फायर ब्रिगेड की अगर इस प्रकार की सुविधा थी, क्योंकि देखिए ये मेगा हाईवे जो है और बालोतरा से गुड़ामालानी के राम जी की गोल के बीच में लगातार यहाँ पर हादसे हो रहे, तो महीने में 2-3 घटनाएं ऐसी आगजनी की हो जाती है जिसमें जिंदा जलने से लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर कोई फायर ब्रिगेड की सुविधा नहीं है। जी और बिल्कुल अशोक, समय को लेकर भी एक अपडेट आपसे चाहेंगे, किस वक्त की पूरी घटना है? देखिए, ये घटना जो बताई जा रही है करीब करीब 10:30 और 11 के बीच की जो ये है, अचानक से ट्रक उसके अंदर
टैंकर जो है केमिकल से भरा वो होटल के अंदर घुसा था और करीब करीब 11:30 यानी कि आप एक सवा घंटे बाद वहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचती है, उसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती है। अगर प्रत्यक्षदर्शी ऐसा बता रहे हैं कि वहाँ 5-10 मिनट या आधे घंटे तक भी अगर कोई फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ जाती तो लोगों की जान नहीं जा सकती थी, लोगों को बाहर निकाला जा सकता था, लेकिन करीब आधे घंटे तक उनको लोगों के जो अंदर फंसे हुए थे वो चिल्लाने की आवाजें आ रही थी लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहे थे। जबरदस्त तरीके से लोग कोशिश भी कर रहे थे लेकिन उसके बावजूद इस आग ने 2 लोगों की जान ले ली। और बिल्कुल अशोक, लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।